दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सभी अपने यूट्यूब चैनल के सदस्यों का वंदन और अभिनंदन आभार। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, रेउसा सीएचसी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से डॉक्टर सुनील और बेहतर सेवादर है डॉक्टर संदीप फार्मासिस्ट वाजपेयी उस चल रहे मरम्मत कार्य सीएचसी रेउसा के निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। और गत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल के माध्यम से खबर चलाई गई थी, जो मानक बहन थी और श्योता के लोकप्रिय विधायक न्यायाधीश जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, वास्तव में उनके द्वारा चलाई गई खबर को लिया गया संज्ञान और स्वयं हाथों से अपने फावड़ा पकड़कर चलाया और उसकी मानवता और गुणवत्ता परखी थी। उसी खबर को लेकर के फिर उस खबर को अधिकारियों से बात की, फिर काम को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से करीब एक माह बाद जब कार्य फिर स्टार्ट हुआ तो लोगों की जुबानी ही रेउसा सीएचसी बन गया कि जहां पर पीली ईंट का प्रयोग किया गया था, आप हमारे चैनल के माध्यम से गत दिनों देख सकते हैं। और वहीं पर फिर से उसी तरीके से उस काम को जब चालू किया गया तो लोगों की एक बार फिर जुबानी बना कि अगर इसी तरीके से काम करना था, अगर दीवारें और उसकी फर्श को और पीली ईंटें नहीं निकालनी तोड़ी थी तो फिर क्यों जस का तस होता। लेकिन इसी बाबत जब वहीं पर जब निरीक्षण करने लगे तो संतुष्ट नहीं हुए डॉक्टर, और वहीं पर डॉक्टर संदीप वाजपेयी फार्मासिस्ट, और वहां पर निरीक्षण किया गया और मैं भी देखा वहां पर, तो फिर उस काम को रोक दिया गया। लेकिन जब इस बाबत बात की गई अधीक्षक विकास मिश्र से तो उन्होंने बताया कि कार्य को संतुष्ट नहीं, और उन्होंने भी इस बात की संतुष्टि की कि अगर इसी तरीके से की तो संतुष्टि होने के बाद ही। और वहीं पर इस बाबत जब बात की, जब कैमरा चमका इस बात के लिए, जब उसी तरीके, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में कि बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, और कैसे ये होगा क्योंकि श्योता के विधायक के अथक के प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम और ये रेउसा सीएचसी के दिन बहुरे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इसी तरीके से रहा तो फिर काम कैसे चलेगा, लोगों की जुबानी बना। वहीं पर ये भी बताया और श्योता के विधायक लोकप्रिय न्यायाधीश कि अगर हम निरीक्षण करेंगे और उसके बाद इसका जय भी निरीक्षण करेंगे, फिर जैसा होगा वैसे हिसाब से मानक गुणवत्ता परक काम होना चाहिए, क्योंकि कतई गलत कार्य और गुणवत्ता विहीन बर्दाश्त नहीं होगा और कार्य अच्छे से होगा। डॉक्टर पूरी बात बताते हैं, संदीप बाते संतोषजनक काम नहीं के जिम्मेदारों ने की तो कहा अरे आप अंदर तक खोदोगे ना तो एकदम बिल्कुल हर जो वो सीमेंटेड वाला काम हुआ बना हुआ है ना, ये विधायक के हस्तक्षेप के बाद काम रुका और करीब एक महीने के बाद काम यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन काम जस का तस यहाँ पर चालू है क्योंकि काम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों की जुबानी का चर्चा का विषय बना कि अगर ऐसा ही करना था जो पीली ईंट लगानी थी, क्योंकि यहाँ पर फार्मासिस्ट और डॉक्टर सुनील यादव इसका देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो कार्य शुरू किया गया है वो पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये चिट्ठे, ये दरारें आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है दरारें हो गई हैं, और ये अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि ये मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है और फिर वही काम स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कोई संतोषजनक काम नहीं है। ये है बड़ी बड़ी दरारें,